तो आपकी बुकलेट में ये क्वेश्चन है जिसमें ये मेंशनड है कि दो स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग है और दो स्ट्रिंग है। आपने एक ब्लॉक को दो रस्सियों से बांध दिया, ये आपने बांध दिया, लटका हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स और ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। अब क्योंकि दो स्ट्रिंग्स हैं तो टेंशन भी दो दो होंगी, तो लेट अस सपोज यहाँ पे टेंशन है T1 T1 और यहाँ पे टेंशन है T2 T2। एंगल क्योंकि डिफरेंट है तो इसका वेट mg है। टेंशन जब टेढ़ी होती है उसके कंपोनेंट्स बनते हैं, तो T1 का कंपोनेंट क्या बनेगा, T1 cos अल्फा, T1 sin अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे T2 बीटा बीटा ऑल्टरनेट है, तो T2 cos बीटा, T2 sin बीटा। तो अब ये बताओ कि आपने क्योंकि टेंशन के कंपोनेंट्स बना लिए, तो इस मास के ऊपर की तरफ कौन कौन सी दो फोर्सेस हैं, एक T1 sin अल्फा और T2 sin बीटा, और नीचे की तरफ कौन सी फोर्स है, mg। और क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो ऊपर और नीचे की फोर्सेस बराबर है, तो ऊपर की फोर्सेस T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा इज इक्वल टू mg, फर्स्ट इक्वेशन है। और लेफ्ट और राइट की फोर्स भी बराबर है, लेफ्ट की ये फोर्स है, राइट की ये फोर्स है, ये बराबर है। तो दो ही क्वेश्चंस आ गई, आपको T1 T2 निकालना ये क्वेश्चन है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इस इक्वेशन से T1 निकाल लो, cos अल्फा को इसको नीचे ले आओ, इस T1 को यहाँ रख दो, तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गई। तो देखो दोनों पूरी क्वेश्चन T2 में चल पड़ी, तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ T2 और यहाँ पे पुट कर दो T1 की जगह, कर दिया। T2 cos अल्फा को LCM लेके सॉल्व करके ये टर्म आ गई, यहाँ से T2 कॉमन निकाल लो तो ये टर्म आ गई। आपको T2 निकालना है, इस पूरी टर्म को इससे नीचे डिवाइड कर दो, T2 आ जाएगा, बट मेडिकल वालों के लिए तो शायद नहीं, नॉन मेडिकल वालों को ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला करवाएंगे अभी, साइन ए कॉस वी प्लस कॉस ए साइन बी। मैथ के अंदर फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये छोटा हो गया फॉर्मूला, तो इसको इसके नीचे ले जाओ, T2 आ गया। तो मेडिकल में तो खैर क्या ही आएगा, नॉन मेडिकल वालों को मैथ्स के टीचर ही करवा ही देंगे, तो वहाँ से ऑप्शन कैन बी मार्क्ड। तो बेसिक जो फिजिक्स थी हमारी वो तो ये थी बस, फिजिक्स में ये दो स्टेप हैं, बाकी मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री आप कर ही लेंगे अभी मैथ्स में, तो वहाँ से सॉल्व करके ऐसा कुछ ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, मेडिकल में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, बुकलेट के अंदर ही मूविंग पुली हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था, कनेक्टेड मोशन हमने कर लिया, तो ये भी हमने कर लिया था, रियल लॉ ऑफ मोशन